कपूर स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां सभी बच्चों का 100% वैक्सीनेशन कराने का लक्ष्य के सापेक्ष बच्चों को बुलाया जा रहा है और वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। अन्य विद्यालयों में भी लगातार वैक्सीनेशन कैंप चल रहे हैं। पूरे जनपद में लगभग 85% तक के बच्चे वैक्सीनेट हो गए हैं। दूसरा एक कार्यक्रम इंस्पायर अवार्ड योजना के अंतर्गत जो हमारे बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से सेलेक्ट हुए हैं, वो 41 बच्चों के मॉडल का प्रदर्शन भी किया जा रहा है और उनको किस तरह से उस मॉडल को बेहतर किया जाना है इस पर भी बच्चों से वार्ता की गई और चर्चा की गई है, ताकि वो स्टेट पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतिम रूप से जो 60 बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर सेलेक्ट होते हैं, जो जापान जिनको भेजा जाता है, उन बच्चों में हमारे जनपद के इन मेधावी युवा वैज्ञानिकों का सिलेक्शन हो सके, उन पर चर्चा की गई है। बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बात की गई है और उनके मॉडल्स को किस प्रकार से अच्छी तरह से सुधारा जा सकता है, इस पर भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। बालिका विद्या मंदिर में इंस्पायर अवार्ड के लिए जो 41 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उनका जो मॉडल्स है उसका प्रदर्शन और उसके बेहतर के लिए कि और भी क्या हम कर सकते हैं उसका प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही वैक्सीनेशन के लिए भी प्रमोट करने के लिए कोविड से जो परेशानियां हैं उनसे भी बच्चों को अवगत कराते कैसे करेंगे सभी चीज़ों। आज जिला विज्ञान क्लब द्वारा कोविड जागरूकता के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के निर्देशन में कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें रंगोली प्रतियोगिताएँ हैं, पोस्टर प्रतियोगिताएँ हैं, बहुत सारी प्रतियोगिताएँ हुई हैं और उन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है।